इस बंदे को ध्यान से देखो, ये आकाश इसने जेई मेंस 2024 में 100% स्कोर करी, वो भी मैथ्स में। हाँ, ये वही मैथमेटिक्स है जिसने पिछले दो साल से बच्चों के लेवल निकाले हुए, लेवल सबके निकले, लेकिन आकाश ने इस मैथ्स को एकदम डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया। और एक बात तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, हर 100 में से 99 बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसके जेई मेंस और जेई एडवांस में मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आने वाले हैं। हम दोनों ने बैठ के प्रॉपर 1.5-2 घंटा डिस्कशन किया और आज मैं तुम्हारे सामने वो सारे सुपर हैक्स रखने वाला हूँ, वो सारी चीजें, एग्जैक्ट मटेरियल, एग्जैक्ट किताब, कहां से क्वेश्चन करने, कौन से लेक्चर देखने, किस टीचर को देखना है, जिससे कि तुम भी इतना तगड़ा परफॉर्म कर सको मैथमेटिक्स के अंदर। तो चल आजा फिर आईआईटी जेई मैथमेटिक्स को अपनी असली औकात दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया ये मैथ्स इतनी अलग क्यों है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से। रिसेंटली जो जेई मेंस का ट्रेंड देखने को मिला है, फिजिक्स को एकदम लल्लू बना दिया है, केमिस्ट्री भी एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आ रही होती है, वही जो मैथ्स है वो एकदम जेई एडवांस को टच कर रही होती है, तगड़ा लेवल मैथ्स का आ रहा होता है, लेंथी प्लस कैलकुलेटिव प्लस ट्रिकी। इसलिए मैथ्स को तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह अप्रोच नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग अप्रोच होती है जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेई मेंस के अगर तुमने 100 से 150 क्वेश्चन कर लिए अच्छे लेवल के, तो तुम्हारा जेई मेंस में 100% उस चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मैथ्स में तुम 500 क्वेश्चन भी कर लो तब भी तुम्हारी गारंटी नहीं कि मैथ्स का क्वेश्चन बन जाए। इसलिए मैथमेटिक्स को अलग तरीके से अप्रोच किया जाता है, वो सारी अप्रोच की बात हम अगले सेगमेंट में करेंगे। अब देखते हैं कि भाई तेरी मैथ्स वीक क्यों रह गई। मैं तुझे कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, एंड अगर तूने इनमें से कोई एक भी चैप्टर छोड़ रखा है तो तेरा जो सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला धर्म है, इन चैप्टर्स को निपटा ले, वरना पूरा साल मैथ्स में फंसता ही रहेगा और फिर कहेगा कि मैथ सबसे बेकार सब्जेक्ट है। नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट तू ले सकता है। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, फोर्थ नंबर पे स्ट्रेट लाइन, फिफ्थ नंबर पे फंक्शन, और लास्टली आता है हमारा ITF। इन चैप्टर्स को करने के बाद तू मैथ्स का A to Z कोई टॉपिक्स उठा ले, तेरे को इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, 90% टॉपिक तेरे को समझ आएंगे। तो थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि भैया चलो आपने चैप्टर्स तो बता दिए कौन कौन से करने हैं बेसिक चैप्टर्स, लेकिन भैया करे कहाँ से। देख भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पता, लेकिन मैथ्स में तेरे टीचर का रोल बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है इस टाइम, या फिर पैसे खर्च करने को है नहीं, तो भाई यूट्यूब पे मोहित त्यागी सर ने पूरा कोर्स पढ़ा रखा है ITGMS का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेड कोर्सेज की बात करें तो मोशन के GB सर को तुम प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने भी पर्सनली पढ़ाई उनसे ही की थी। भैया कहाँ पे पढ़ा रहे हैं GB सर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट पेड कोर्सेज के टीचर है मनोज शर्मा सर, जो आई थिंक अभी अनअकैडमी में पढ़ा रहे, लेकिन उनसे पढ़ने से पहले तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। और भाई तेरे मैथ्स के टीचर का क्या नाम है कमेंट सेक्शन बता, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगला पॉइंट आता है हमारा, भैया थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमारी क्लियर हो गई, अब ये बता दो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहां से करें। इस सेगमेंट को मिस मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या भैया कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट है। देखो, आकाश जितना स्कोर करना है 100% तो सिर्फ कोचिंग मटेरियल से नहीं हो पाएगा, किताबें करनी ही पड़ेगी एट ऑल कॉस्ट। मार्केट में 3 किताबें बहुत फेमस है, एक तो तुम्हें सिंगेज दिख रही होगी मेरी बुक शेल्फ पे, और एक अरिहंत का पूरा पब्लिकेशन दिख रहा होगा, उसके बाद आती है हमारी ब्लैक बुक। ये 3 किताबें ही है जो ITJEE मैथमेटिक्स में सबसे पॉपुलर है। मैं तुझे प्रायोरिटी सेट करके दे रहा हूं, पहले अपना कोचिंग का मटेरियल निपटा ले 90%। अगर तू अपने कोचिंग की मटेरियल में फंस रहा है बार बार, तो सिंगेज की इलस्ट्रेशंस का यूज कर, उनको पढ़, उसके बाद एक भी क्वेश्चन तेरा नहीं फंसेगा, फिर तेरे को ब्लैक बुक उठानी है अगर मन हो तो, वरना अभी मत उठा भाई, तेरे पे टाइम नहीं है इतना उठाने का, ठीक है, तो इस बात की गांठ बांध। अगला पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई तुझे पूरा सिलेबस टारगेट नहीं करना है मैथ्स में, इतना तेरे पे टाइम भी नहीं है, और जो जो मैंने रिसोर्सेज बताया, अगर तू पूरा सिलेबस करने बैठ गया तो कभी तू 2 साल में नहीं कर पाएगा, तू 6 महीने की बात तो छोड़ दे। इसलिए कह रहा हूं टारगेटेड सिलेबस पे फोकस कर, वो जो 6 से 7 चैप्टर मैंने बेसिक्स वाले बताए थे वो तो तुझे करने ही करने हैं, उनके अलावा 6 से 7 चैप्टर हाई वेटेज वाले तू और कर ले। भैया कौन से हाई वेटेज वाले चैप्टर, मैं तुझे बता के जा रहा हूं, नोट कर ले। सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अलजेब्रा का चैप्टर है, वेक्टर 3D, उसके बाद आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब आते हैं एक सुपर हैक के ऊपर जो कि आकाश ने मेरे को बताया, मैं भी बार बार बोलता रहता हूं, काफी अच्छी चीज है, सबके सबको फॉलो करनी है IIT, कसम है तुम लोग को, तभी मैथ्स में नंबर आएंगे भाई, ऐसे नहीं आएंगे, वरना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, सुनो ध्यान से। और हां, एक छोटा सा फ्रेंडली रिमाइंडर भाई, वीडियो को लाइक कर दो भाई, इतनी गर्मी हो रही है, बैठ के वीडियो बनाते हैं तुम्हारे लिए, लाइक करना तो बनता है ना, कर दो। लेट्स से तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन की एक शीट है, तुम्हें क्या करना है, पहले 25 क्वेश्चन को लर्निंग फेज में सॉल्व करना है, आगे के 75% क्वेश्चन को तुम्हें टेस्टिंग फेज में सॉल्व करना है। लर्निंग फेज और टेस्टिंग फेज में डिफरेंस क्या होता है, लर्निंग फेज का मतलब होता है तुम कोई टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम सोल्यूशन भी देख सकते हो, एक आध स्टेप में अगर फंस रहे हो, तुम क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, एक एक क्वेश्चन में तुम 10-10 मिनट भी लगा दे रहे हो, पहले 25 क्वेश्चन में तुम्हें लर्निंग फेज में काम करना है। जैसे ही तुम 26 क्वेश्चन पे आते हो, तुम्हें अपनी फेस को टेस्टिंग में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि अब तुम एग्जाम एनवायरमेंट में साथ में घड़ी को लेके फाइट मारोगे, यानी कि हर क्वेश्चन का तुम 4 मिनट का टाइमर लगाओगे, या फिर 4 मिनट के हिसाब से तुम्हें अगले 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से तुम्हें लर्निंग फेज और टेस्टिंग फेज में अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग को करना है। 25% ऑफ द क्वेश्चन लर्निंग
फेज में 75% ऑफ द क्वेश्चन, टेस्टिंग फेज में अंडर टाइम प्रेशर। होपफुली तुम लोग को थोड़ा डर लगना कम हुआ होगा। मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुझे उससे प्यार हो गया तो भाई तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और हाँ मेरे भाई, 2025 में अपन लोग को सिलेक्शन निकालना है किसी भी हालत में एट ऑल कॉस्ट, उसके लिए हमारी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स को फॉलो करो और IIT का समय अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिख के आओ, IIT JEE मैथमेटिक्स आई एम कमिंग फॉर यू। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी भाई ऐसी वीडियोस तुम्हारी फीड में आएंगी और तभी तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा। बाय बाय, सी यू, लव यू।